बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में आलू अंडे की बिरयानी की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी में जो हमें इंग्रीडियंट्स रिक्वायर होंगे वो कुछ यूं हैं कि हमने 2 अदद आलू ले लिया जिसको मैंने 90% तक बॉईल कर लिया। हमने इसको बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना किया हुआ है। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं, 3 अदद अंडे हार्ड बॉईल हमने कर लिए, इसको हमने फुल पकाया हुआ है। इसके साथ मैंने 2 अदद प्याज लिए और प्याज को हमने गोल लच्छेदार कट कर लिया, ये आपके सामने है। 1 प्याली मैंने दही की लिया है जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। बिरयानी मसाला है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं। 1/2 खाने का चम्मच हमने सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है। 1 खाने का चम्मच हमने नमक लिया है, आपने इसको हसबे जरूरत इस्तेमाल करना है। 1/2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 चम्मच हमने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, इसीलिए मैंने सुर्ख मिर्च का कम इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसको छोड़ सकते हैं, हरी मिर्च का जो पेस्ट है ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं 1 चम्मच इस्तेमाल करूंगी। इसके साथ हमने इमली आलू बुखारे को लिया, 2 से 3 दाने मैंने आलू बुखारे के लिया, थोड़ी सी इमली लेकर मैंने इसको पानी में पहले से भिगो दिया। थोड़ा सा हम फ्रेश हरा धनिया लेंगे और 1 से 2 या 3 अदद हम हरी मिर्चें लेंगे गार्निश करने के लिए। इसके साथ मैंने 1 गिलास यानी कि 1/2 किलो चावल लिए हैं पुराने वाले जिसको मैंने साफ करके पहले से भिगो लिया है। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमने एक कढ़ाई ले ली और कढ़ाई के अंदर तकरीबन मैंने 1/2 कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाल लिया है। डालने के बाद अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है। अब प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखें व्यूअर्स, प्याज का जो कलर है वो चेंज होने लग गया, लेकिन इसको हमने मजीद थोड़ा सा ब्राउन करना है ताकि इसमें अच्छा से कलर आ जाए और थोड़ा सा ये करारे हो जाए। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको भून लेंगे। अब अदरक लहसुन हमने इसमें डाल के इसको फ्राई कर लिया, हल्का सा मैं इसमें पानी डालूंगी। अब हम इसके अंदर ये सब्ज मिर्चों की पेस्ट शामिल करेंगे। सब्ज मिर्चों की पेस्ट से इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसके अंदर पेस्ट शामिल किया, अदरवाइज ये ऑप्शनल थी। इसके बाद हम सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, नमक अभी मैं 1/2 डालूंगी और थोड़ा सा हम चावलों में के लिए बचा लेंगे। अब इसके अंदर व्यूअर्स हम लोग ये एग डाल देंगे और आलू भी अब हम डालेंगे। अंडे आप देख लें कि मैंने बिल्कुल साबुत इसमें डाले हैं, इसको मैंने सेंटर से कट नहीं किया। अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे, हल्का सा मैं एक पानी का छट्टा लगाऊंगी। अब हम इसके अंदर इमली आलू बुखारे का पानी, अब हम इसके अंदर इमली आलू बुखारे को शामिल करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया मैं अभी ऐड करूंगी और थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए बचा लूंगी, और साथ ही हम बिरयानी पाउडर जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। सारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब लास्ट पर हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। तो दही को मैं अच्छे से बीट कर लूंगी। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। अब दही मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया, अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए।
अब मैं इसको ढांककर छोड़ दूंगी जब तक कि ये दही खुश्क ना हो जाए और ये घी ना छोड़ दे। तकरीबन एक मिनट बाद हम इसको चेक कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि इसने जो ऑयल है वो अच्छे से छोड़ दिया है। हमारा जो मसाला है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारा जो मसाला ये तैयार है इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, मैंने सारा मसाला जो है वो रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम अपने चावल तैयार करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने सेम कढ़ाई इस्तेमाल की है। आप चाहें तो एक सेपरेट कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इस तरह इसके अंदर पानी डाल दूंगी एक ग्लास और ये हाफ। चूंकि मेरे पास एक ग्लास चावल था तो मैंने डेढ़ ग्लास पानी का, मैंने एक ग्लास चावल ही है इसलिए मैं डेढ़ ग्लास पानी लूंगी। और मैंने पानी डाल दिया। अब मैं इसके अंदर ये नमक डाल दूंगी बाकी का बचा हुआ और इसको बॉईल आने तक छोड़ दूंगी। अब हम इसे एक बॉईल आने तक पकाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने एक ग्लास चावल लेकर इसको साफ कर तकरीबन 15 मिनट पहले ही भिगोकर रख दिया था, क्योंकि मेरे पास पुराने चावल है इसको हम थोड़ी देर पहले ही भिगोकर रख देंगे। तो आपने भी इसी तरह अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चावल को साफ करके पहले से भिगोकर रख लेना है। ये देखें व्यूअर्स, चावलों का पानी जो है वो पकने लग चुका है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। यहां आपने याद रखना है मैंने डेढ़ ग्लास पानी इसलिए डाला है क्योंकि मुझे इसकी एक कनी कच्ची रखनी है। आपने पानी का हिसाब अपने चावलों के मुताबिक रखना है। तो चलिए इसको मैं ढांक दूंगी तब तक जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। चलिए व्यूअर्स, अब हम जर्दा रंग बना लेते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो दूध लिया है और 1 पिंच के करीब जो है वो हम जर्दा रंग लेने लगे हैं। ये देखिए बिल्कुल 1 चुटकी के करीब जो है वो हमने जर्दा रंग ले लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो जर्दा रंग है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको लास्ट में चावलों पर ऐड करेंगे। अब ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, चावलों का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मैं चावलों को निकाल लूंगी और क्योंकि हमें इसकी तह वाली बिरयानी बनानी है तो मैं चावलों की और सालन की तह लगानी है, इसलिए एक दफा हम चावल निकाल लेंगे। आधे मैं इसके अंदर ही रहने दूंगी और आधे मैं निकाल लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें व्यूअर्स, आधे मैंने कढ़ाई में ही सेट कर लिए हैं और आधे मैंने निकाल लिए हैं। अब हम एक चावलों की एक सालन की तह, फिर एक चावल और एक सालन, इस तरह तह लगाएंगे। तो चलिए अब इनको तह लगाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब जो चावल थे मैंने आधे इसी के अंदर रहने दिए और आधे में जो है अपना हम सारा मसाला डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैं मसाला इसके अंदर शामिल कर रही हूं। इस तरह आपने थोड़ा सा मसाला, और चावल, और अब साथ में हम क्या करेंगे, ये जर्दा रंग शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा किसी किसी जगह पे। अब मैं बाकी का बचा हुआ मसाला सालन इसके अंदर डालूंगी। और ये सारे चावल मैं इसके ऊपर अच्छे से सेट कर दूंगी। अब लास्ट पर फिर हम जर्दा रंग जो है वो इसके अंदर डालेंगे और ये हरा धनिया हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और अब हम इसको 3 से 5 मिनट तक जो है वो दम की आंच पर छोड़ देंगे। जैसे इसको दम आएगा तो हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, चावलों को दम आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। यह देखें व्यूअर्स, हमारी जो बिरयानी है वो पककर तैयार हो चुकी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।